लो जी इस मस्जिद 7:30 मिनट है, 2 मिनट है इंशाल्लाह 7:30 से ईद की नमाज। जब मैं घर आ गया हूँ, नहाते नहाते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। कट्टा ना तो वह खिला। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा ऑफिशियल, और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस एडवांस ईद मुबारक। पीछे आप देख रहे हो कि कलियाँ जो है वो हमारी बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, ठीक है, और बच्चे बुच्चे जो भी वो भी अपना मुँह शुद्ध हो चुके हैं और बड़े भी मुँह शुद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी जो वो हम तैयार नहीं हुए। मैं आया था मस्जिद में कि शायद कारी साहब आ गया हूँ, लेकिन अभी जो है वो मस्जिद भी बंद है, लगता है कारी साहब जो है वो तैयार शहर हो गए। अभी कोई ऐलान नहीं हुआ कि ईद 8 बजे है 7 बजे, लेकिन मैं सुबह सुबह उठ के भाई साहब गलियों में मुँह छूँ मार रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकलते हैं, कुछ सुर सुर लेते हैं, कोई घूमते फिरते हैं। अगर मैं अब दोबारा सो गया तो फिर जो है वो ईद नमाज के बाद ही उठूँगा। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर अड्डे को, आपका अड्डे को चलते हैं और वहाँ का ये ढोल की आवाज़ तो आपको आ रही होगी, इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों सुबह सुबह ढोल जो है वो लेकर निकला है। अगर हम मौसम की बात करें तो इस ईद पे जो है ना भाई सब इतनी कोई गर्म ईद नहीं होगी, ठंडी मीठी ईद जो है वो गुजर जाएगी। और ढोल वाले का ये सीन है कि ये रमज़ान शरीफ में उठाता है, ठीक होगा, गली गली जाके पूरे गांव में, और उसके बाद जो आज के दिन ये अपनी ईद जो है वो इकट्ठी करता है, हर गली में जाएगा और हर घर में जो है वो दस्तक देगा, अपनी ईद जो है वो इकट्ठी करेगा जो जितनी भी दे दे। अभी हम जो है वो जा रहे हैं अड्डे को, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ क्या चल रहा है भाई सब ये आपको दिखाते हैं। बाकी गलियाँ शलियाँ देखें आप, बिल्कुल साफ साफ हो गई हैं और लोग जो है वो सफाई भी कर रहे हैं। जो ईद भी करी नमाज जड़ी है ना वो भी मस्जिद जानी पड़ी, ये दूसरे कसाई है, ठीक है, इतने ना मसले मसले पा दे ईद पा लेनी है, ठीक हो गया। तो ये आने मरीज आई जावन कुछ कोई खा दे मेरा खराब करके आई जावन निक्की चक्की बंदे दे। इधर से आप गोश्त वाले देखें, ये फट्टा भी गोश्त वाला है, ये भी फट्टे गोश्त वाले हैं, और इस तरफ भी एक फट्टा जो है गोश्त वाला ही है। लो ये कट्टा ढाऊ जे, तो कट्टा ना तो वह रहा खिला। और इनका रेट भी अपना है भाई साहब, क्योंकि ये जानवर जो है रोड के ऊपर करते हैं, बिल्कुल ये रोड चल रहा है और साथ जो है जानवर कर रहे हैं, ये सारों का ऐसा ही है, और सब जो है वो अपना रेट है, गवर्नमेंट के रेट पे कोई भी नहीं बेचता। मैं जो दरअसल आया था माँ हमारे के पास जिससे मैं बाल ख्याल कटवाता हूँ, लेकिन उसके पास बहुत रश था, मैंने कहा चलो कट्टे छट्टे वाली दुकानें जो वो घूम लेते हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा रश है और रेट भी सबसे ज़्यादा है। लो जी इस मस्जिद 7:30 मिनट है, 2 मिनट है इंशाल्लाह 7:30 से ईद की नमाज। जब मैं घर आ गया हूँ, नहाते नहाते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। और मैं जो ईद वाले दिन भाई साहब बाहर आया हूँ फसल को गेड़ा शेड़ा मारने के लिए, कि मक्की जो है वो सूंडी से बची हुई तो है ना, इसको ही हमने पिछले दिन जो है पानी लगाया, तो उम्मीद है कि कल या शायद परसों हम जो है ना इसको दानेदार जो है वो डलवाएँ। मैंने सोचा क्यों चक्कर जो है वो हम लगा लें, फिर शायद टाइम लगता है या नहीं लगता, तो अभी तो है सुंडी शुंडी इतनी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन कहीं कहीं पे जो है ना वो अटैक है, कोई बात नहीं। तो अभी जो है मैं चलता हूँ वापस, अभी जो है मैं ना चल के ना होऊंगा, पहले मेरा दिल किया कि बाहर से जो है ना मैं होकर आ जाऊँ। और शब्बी हो चुका है बिल्कुल तैयार, ये देख सकते हैं आप मोटू छोटू सा, इसको बस ईद की जरूरत है। तुमने लंडे से लिया है? लंडे से अड्डे से चलो भाई, हमने नानू लिया है, सिर्फ हमें एक काम रहता है बालों को सेटमेंट करना है, लेकिन क्या करना यार, करके तेल शेल लगाते हैं और वैसे ही हम उंगलियों से फेर लेते हैं। सुल्तान साहब तैयार हो गए हैं, सुल्तान साहब को मैंने बोला कि आपके जो जूता है ना वो मस्जिद में जो है ना वो चोरी हो जाना है, ठीक है, या तो आप ऐसे बैठोगे ठीक हो गए तो, या फिर आप जूता जो है ना उतार के जाओगे मस्जिद। क्या सोचा फिर आपने, उतारना या ऐसे जाना है? हैं ऐसे ही हाँ। फिर भाई साहब रोने का प्लान जो है वो आप तैयार कर लो, क्योंकि जूता जो है वो आपका वापस नहीं आना। चलो हम भाई साहब बादशाह सेट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। हम जो है ना मीठा का भाई शौकीन है, और मीठा जो है वो खा के हम चलते हैं मस्जिद में। आपका भाई जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल हो गया, पाप शप वाले हैं।
पाड़ ली है और लोग जो है वो रास्ता बदल बदल के जा रहे हैं और हम भी इस तरीके से चलते हैं। आए हम इस तरह से इस गेट से और जाएंगे इस तरह से। अड्डे पे हम आ चुके हैं। इस वक्त जो है वो बिल्कुल रौनक शौनक नहीं है यार, कोई भी रौनक शौनक जो है ना वो देखने को नहीं मिल रही। अभी आधी दुकानें जो है वो बंद है, वैसे समोसे पकौड़े वाले भी दुकान पे बस रौनक है यकसाइयों के पास। साइयों की दुकानों पे अभी जो है बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह आया था, सुबह भी बहुत रश था और इस वक्त भी बहुत रश है, चेक करो। सड़कों पे भी भाई साहब बिल्कुल रश वगैरह नहीं है और मैं अभी निकला था नेक्स्ट पे, बिल्कुल रोड जो है बिल्कुल सूने आपको नजर आएंगे। तकरीबन जो है 10-11 बजे के करीब जो है वो रोड बिल्कुल भरे होंगे, लोग जो है वो अपने काफ़ी आ जा रहे होंगे या कल के दिन बहुत रश होंगे क्योंकि कल जो है वो रश है। और अभी जो है अड्डे पर बिल्कुल कोई रोड नहीं छोड़ दी, अभी जो है लोग भाई साहब घर भी छिल रहे हैं, फिर निकलेंगे बाइक गाड़ियाँ लेकर घूमने निकलेंगे। ईद माशाल्लाह इस बार जो है वो ठंडी मिट्टी है, इंजॉय करने का अलग ही मज़ा आएगा भाई साहब। और अभी जो है मैं कब्रिस्तान आया हूँ, ये है हमारा फैमिली का कब्रिस्तान, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने दीवार वगैरह की हुई है और पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, अच्छी खासी जो है वो छाँव है इधर। और ये जो है हमारी फैमिली की कब्रें हैं। तो इधर हम अभी फातह खानी करेंगे और उसके बाद जो है यहीं पे हम अपना व्लॉग भी एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग जो है दूसरा पार्ट जो है ईद का वो हम शुरू करेंगे उसके बाद। अभी आप सिर्फ ईद नमाज वाला जो है वो पार्ट आप देखें और शेयर करें और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, शुक्रिया। यहाँ पे आपको मज़े मज़े के फ्रूट जो है वो भी खाने को मिलेंगे कब्रिस्तान में। ये देखें आप, ये फ्रूट जो है ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये शतूत है, ठीक हो गया, ये जो है कम ही मिलते हैं देखने को भी और खाने को भी। और हमने इधर जो है इसके दो पौधे लगाए हुए हैं, दरख्त लगाए हुए हैं, ये चेक करें आप। उसके साथ ये देखें, ये सारी की सारी जो है ये तैयार है, ये चेक करें। और ये है, ये चेक, हमने बहुत जो है खाई है, ये देखो इसको हाथ लगाया तो नीचे गिर गई। नीचे भी भाई साहब साफ जगह है और ऊपर देखे अभी भी जो है ना लच्छे लगे हुए हैं। इस पे चेक करें, ये हाय 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 हाय, चेक करें भाई साहब, ये मज़े हैं हमारे कब्रिस्तान का। इधर जो है आगे अनार जो है वो भी लगाया हुआ हमने, ये देखें ये अनार आ गया। ये पीछे जो है वो सारे किक्कर आ गए। ये दरख्त जो है ये गूंदी का दरख्त है, गूंदी, ठीक हो गया, हमने तो पहले कभी नहीं देखा था, ठीक हो गया। ये दरख्त जो है हमारे एरिया में सिर्फ हमारे कब्रिस्तान में भी है, गूंदी का दरख्त। लोग जो है दूर दूर से आते हैं गूंदी खाने के लिए, बहुत मज़े की होती है, लेकिन हमें जो है वो पसंद नहीं आती, लेकिन जो पहले लोग हैं ओल्ड एज उनको बहुत अच्छी लगती है।